हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? आप सभी के दिमाग में अभी काउंसलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि यार अभी जेई मेंस तो कंप्लीट हो जाने वाला है, लेकिन उसके बाद हमें फाइनल ईयर किसी ना किसी कॉलेज की तलाश होगी। और जब कॉलेज की तलाश है तो बहुत सारे बच्चे यूपी टीयू को टारगेट कर रहे होंगे, यानी कि यूपी के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे होंगे, या जो बच्चों के अच्छे ना नंबर आए उतने ज़्यादा अच्छे ना हो, तो बेस्ट जो है कॉलेज कौन सा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वहीं पे हमारा आता है HBTU कानपुर, दैट इज यार इसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, इसके बारे में हम प्लेसमेंट्स भी देखेंगे, क्योंकि आपके इसके बारे में कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर, कैसे काउंसलिंग होगी, सारी A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल रही होगी। तो यार इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यार ज्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यार, HBTU जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यूपी के अंदर। सबसे बेस्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट कॉलेज हमारा यूपी के अंदर HBTU है। इसमें बच्चे NITs को छोड़ करके यहां पहुंचते हैं, NITs बहुत सारे को छोड़ देते हैं और यहां पे आकर के एडमिशन लेते हैं। तो कुछ तो बात होगी इसके अंदर जब बच्चे इसको ले रहे हैं, ठीक है। एक चीज अगर आप लोगों को ना पता हो तो इस कॉलेज में यार फिजिक्स वाला सर जो हमारे हैं वो पढ़ चुके हैं यहां पे, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो फिजिक्स वाला सर भी इस कॉलेज से पास आउट है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने ड्रॉप किया था बट इसी कॉलेज से थे वो। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो अब आ जाते हैं हम इसके यार प्लेसमेंट्स की तरफ, क्योंकि प्लेसमेंट आप ज्यादा चाहते हो। फिर यार हम लोग देखेंगे कि यार 2021 में कैसा सिनेरियो रहा था, क्योंकि यार उससे पहले तक जेई मेन से इनका कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था। पहले UPTU की काउंसलिंग के अंदर आता था और उसी की रैंक के हिसाब से यार यहां पे ले लिया जाता था, पहले की बात ये होती थी। लेकिन अब जो है वो जेई मेंस के थ्रू होता है और ये अपनी काउंसलिंग अलग से कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसका अपना यार रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, इसका UPTU से कोई लिंकेज नहीं है, मैं बता देना चाहूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसका अलग फॉर्म आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आएगा हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे, इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। प्लेसमेंट की बात करूं तो यार अभी तक जो मैक्सिमम प्लेसमेंट जा रखा है इस कॉलेज का यार वो जा रखा है 60 लाख पर एनम, ठीक है, जो कि हमारा गूगल जो है गूगल ने इसे प्रोवाइड किया था। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि ये बच्चा ऑफ कैंपस लेके आया था या ऑन कैंपस। अगर आपको ना पता हो तो ऑन कैंपस होता है जो कॉलेजेस में हमारे जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं, ऑफ कैंपस का मतलब होता है कि हमें खुद जाकर के जो कंपनीज है उसको अप्रोच करना पड़ता है, देन जाकर के जो प्लेसमेंट्स होती है वो ऑफ कैंपस होती है। तो इसका कंफ्यूजन है, बट 43 लाख पर एनम इनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट गया है, ठीक है। 43 लाख जो है वो भी दिया था हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने, यार यहां पे हमें प्लेसमेंट्स दी थी एंड 43 लाख पर एनम का था। नेक्स्ट अगर मैं इसकी एवरेज प्लेसमेंट बात करूं, बच्चे पूछते हैं इसके एवरेज प्लेसमेंट क्या रहेगा, एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7.5 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। दैट्स अ वेरी डिसेंट, बहुत सारे NITs को टक्कर देता है ये प्लेसमेंट। समझ सकते हो यार कि लगभग जो बच्चा जा रहा है सबकी 7.5 लाख की प्लेसमेंट, और यहां पे लगभग 80% स्टूडेंट जो होते हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं 82 to 85, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए, प्लेसमेंट, ठीक है। कैंपस बड़ा अच्छा सा है, हॉस्टल्स भी प्रोवाइड किए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं होते, इस कॉलेज में हॉस्टल्स भी और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है उनकी। अब जो इस वीडियो के लिए आप लोग आए थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, HBTU की काउंसलिंग जैसी आएगी यार तो उस टाइम पे आप लोगों को दिक्कत होगी अपनी चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस फिलिंग भरने में। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस है, CSE, ECIT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इसके बाद 7-8 और ब्रांचेस है, पेंट, फूड, लेदर, बहुत यार ऐसे ऐसे बायोकेमिकल, बहुत सारे ब्रांचेस है। तो उस टाइम पे आप लोगों को दिक्कत होगी यार चॉइस फिलिंग करने में, कि यार चॉइस फिलिंग हम लोग कैसे करें, ठीक है, पूरा काउंसलिंग कैसे करें, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए हम लोगों से काउंसलिंग में। क्योंकि अगर काउंसलिंग में गलती हो जाती है तो आपका भले ही क्या 20,000 रैंक हो, 30,000 रैंक हो, लेकिन फिर भी यार कॉलेज प्रोवाइड नहीं हो पाता, कॉलेज नहीं मिल पाता। तो वैसी गलती ना करने के लिए हम लोगों ने यार पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट बना रखा है, जिस कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट में आप लोग जैसे ही ज्वाइन होते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन होने के बाद आपको कॉल आ जाएगा, उसके बाद अभी से लेकर के जब तक आप यार इस कॉलेज में पहुंच नहीं जाते तब तक हम लोग आपके साथ रहने वाले, यानी कि आपकी जो रैंक है, रैंक पे जो यार बेस्ट ब्रांच इस कॉलेज में मिल सकती होगी वो हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है, HBTU के अंदर।
अगर आपको यार यूपीटीयू के लिए चाहिए तो यूपीटीयू के लिए भी हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, डोंट वरी फॉर दैट। और आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज आपको दिख रही होंगी। इसको बार बार मेरे को चर्चा करके कोई वो नहीं कर रहा है, मीटिंग सब कुछ होगी, सब ग्रुप में भी आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉस्ट अभी जो है शुरुआती दौर है, तो इसलिए कॉस्ट बहुत मिनिमल है, 999 रुपीज, 1000 रुपए है, जो कि यार आप लोग किसी भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उतने में आपका चला जाता है। तो पूरी काउंसलिंग 1000 रुपए में होने वाली है, बाद में यार इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, इसलिए अभी जाकर के इसमें एनरोल कर लें। अब आ जाता हूं मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, पहली चीज यहां पे ब्रांचेस देख लेंगे, और जो ये मैंने रैंक्स लिखी है, ये रैंक हमारी यार ऑल इंडिया रैंक होने वाली है, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। जो आप लोगों को मिलता है ऑल इंडिया रैंक वो है, ये कोई कैटेगरी रैंक नहीं है। और ये जो कट ऑफ है ये है कि क्लोजिंग रैंक है सभी की, ठीक है, कि कितने पे यार पूरा बंद हो जाता है, यानी कि इतने रैंक तक अगर आपकी है तो आपके मिलने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इतनी रैंक, जो सारी रैंक है वो सारी क्लोजिंग रैंक है, यानी कि इस रैंक पे जाकर के खत्म हो जाएगा एडमिशन, ठीक है, क्लियर कट हो गई होगी चीजें। अब देखो यहां पे ये सबसे पहले चीजें समझ लेते हैं, ये है ओपन कैटेगरी, ओपन मीन्स यानी कि जो भी बच्चा जनरल कैंडिडेट है। नेक्स्ट इज ईडब्ल्यूएस, आप लोग समझ रहे हो ईडब्ल्यूएस, आपको पता है ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल लास्ट रैंक है, बिल्कुल लास्ट तक, यहीं तक जा सकता है, इससे आगे बिल्कुल भी जाने नहीं वाला है। एक एक करके यार सारी ब्रांचेस का हम कट ऑफ देखना स्टार्ट करते हैं, और कुछ ब्रांचेस और हैं उनके बारे में मैं लास्ट में बताना चाहूंगा। ये जो ब्रांचेस है वो सारी अच्छी ब्रांचेस है, जो मैं भी बोलूंगा कि आप लोग इस कॉलेज में जा रहे हो तो जा करके ले सकते हो। सबसे पहला ब्रांच बच्चे जो चाहते हैं यार सीएसई कंप्यूटर साइंस, सारे बच्चों की उम्मीद होती है कि यार मुझे कंप्यूटर साइंस तो जरूर ही जरूर मिल जाए, क्योंकि आजकल के जमाने में पता है यार कि कंप्यूटर साइंस ये रहता है कि प्लेसमेंट ज्यादा होती है उसमें। तो कंप्यूटर साइंस में देखो यार 20,923 यानी कि 20,900 यानी कि लगभग 21,000 तक में बंद हो जाता है एडमिशन। तो समझ रहे हो इस कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, यानी कि 21,000 में कितनी सारी एनआईटीज मिलती है, कितनी सारी एनआईटीज में मैकेनिकल, ठीक है, सिविल, कितनी सारी चीजें मिल जाएगी। लोअर एनआईटीज के अंदर जाएं तो हमें ईसी इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांचेस मिल जाती है अच्छी अच्छी, लेकिन फिर भी बच्चे छोड़ करके यहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। और मैं वैसे नॉर्मली बात करूं तो यार देखो अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है 20,000, 21,000, 19,000 ऐसे 19,000 के अप्रॉक्स रैंक है, तो मैं बोलूंगा यार कोशिश करो कि एनआईटीज के अंदर अगर मिल जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा नहीं है कि मेरे को सीएससी आईटी ही लेना है, अगर ऐसा है कि भाई मेरे को यही ब्रांच ही चाहिए तो फिर इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ी लोअर ब्रांच भी मेरे को चल जाएगी तो यार एनआईटीज को कंसिडर करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यार एनआईटीज में थोड़ी सी अच्छी चीजें रहती है यहां से, ठीक है। चलो सीएससी की मैंने बात कर ली, ओपन की आपको ईडब्ल्यूएस का एक में बता दे रहा हूं और सारा आप लोग के सामने आप लोग चेकआउट कर सकते हो। EWS में देख सकते हो यार 24,226 तक जा रखा है, 27,000 तक ओबीसी की रैंक जा रखी है, एंड जाकर के एससी की यार 1,30,000 तक रैंक जा रखी है, 1,30,000, और एसटी कैटेगरी की 2,21,000 के अप्रोक्स तक जा रखी है। तो देख रहे हैं यार एसटी वालों को कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमारी सीएससी कवर हो गई, सीएससी हमारे पास कंप्यूटर साइंस जो है वो कवर हो गई। उसके बाद आता है हमारा आईटी, ठीक है। आईटी से पहले मैंने ईसी लिख रखा है, बट मैं आपको आईटी के बारे में पहले डिस्कस कराता हूं, क्योंकि सीएससी के बाद आईटी एक हमारी अच्छी ब्रांच है जिसमें कि 27,000 तक जाता है फॉर द ओपन कैटेगरी मींस जनरल कैटेगरी, ऐसी ईडब्ल्यूएस का 28,000 एंड ओबीसी का 34,000 एंड एससी का 1,55,000 एंड 3,51,000 फॉर द एसटी कैटेगरी। तो यहां पे आपको दिख गया होगा, सारे कैटेगरी का आप नहीं बात करते हैं, अब बस जनरल का बताता हूं आपको, और सारी चीजें डिटेल्स दिख रही हैं, ठीक है। आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी की बात करूं तो इसी के 36,000 तक जाती है, ठीक है, यानी कि 36,000 तक आप लोगों को यहां मिल सकता है, 36, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल ना, और आपको ईडब्ल्यूएस का दिख रहा है एंड ओबीसी एससी एसटी। अब देखो एसटी का मैंने यहां पर इस वाले में नहीं लिख रखा, यहां पर नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या, इससे पहले ही तक यार फिल आउट हो चुकी है इनकी ब्रांचेस, ठीक है ना, यानी कि ये ब्रांच जो है ऑलरेडी फिल हो चुकी है, इसलिए एसटी वाले बच्चों के लिए बची नहीं, ठीक है। तो ये जब हमारा कवर हो गया, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो 47,000 तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 47,000 तक देखने को मिल जाता है। तो समझ सकते हो यार बहुत ही अच्छी रैंक अगर आपकी है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, डेट इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रांच, ठीक है ना। और एससी अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का 52,000 एंड ओबीसी का 58 एंड एससी का 1,97,000 और देखो एसटी का 4,00,000 रैंक तक चला गया,
ठीक है ना, 4 लाख रैंक तक आपको मिल जाने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो मैकेनिकल की, मैकेनिकल आपको यार 51,000 पे मिल जाएगा, ठीक है, 51,000 पे मैकेनिकल यार फॉर द जनरल कैटेगरी, और सारी ब्रांचेस आप लोग देख सकते हो। सिविल की अगर मैं बात करूं तो सिविल यार आप लोगों को 61,000 पे मिल जाने वाला है, ठीक है, सिविल यार 61,000 पे आप लोगों को मिल जाएगा, एंड फॉर अदर्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो। केमिकल की बात करूं, केमिकल जो हमारा है उसमें यार 57,000 तक बच्चों को मिल जाता है, यानी कि सिविल से भी ज्यादा कट ऑफ जा रही है हमारी केमिकल की। तो यहां पर आई होप सो ये सारी ब्रांचेस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी बहुत सारी ब्रांचेस है, और बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को कितनी रैंक तक यार इस कॉलेज में फॉर द जनरल के लिए कितने तक मिल जाएगा। तो पहली चीज बता दूं, यहां पे और भी बहुत सारी ब्रांच है। ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पेंट है, ठीक है, पेंट टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और भी बहुत सारी है, लेदर, लेदर वाली भी है हमारी, ठीक है, और भी बहुत है, बायोकेमिकल है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि जितनी भी और अदर ब्रांचेस हैं, अगर आपको है कि भाई इस कॉलेज में जाना ही जाना है, मेरे को इस कॉलेज में मेरे को घुसना ही घुसना है, मेरे को कोई और है ही नहीं, कोई और लेने का कॉलेज है ही नहीं, मतलब क्या पता कुछ बच्चों का रीजन हो सकता है घर के पास हो, या कुछ बच्चों का बिल्कुल प्रेफर ही कर रहे हो उस कॉलेज को, तो लास्ट रैंक फॉर द जनरल के लिए मैं बता दूं कि कितनी तक जा सकती है इसकी रैंक, तो 1,20,000 के अप्रोक्सीमेटली तक इसकी रैंक जा सकती है। अगर आपको किसी भी ब्रांच, जैसे फूड वाली ब्रांच हो गई, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, इसकी बायोकेमिकल के भी 1,09,000-10,000 के अप्रोक्स तक जाती है, तो इसीलिए अगर आपको कंसीडर यही कॉलेज ही करना है तो इतनी रैंक तक आप लोगों को मिल सकता है। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी यार अगर आपको एससी एसटी तक, तो वो उसमें तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारी कट ऑफ हो गई, और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स बचता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको है कि यार पूरी की पूरी काउंसलिंग आप हमसे कराना चाहते हो, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर के, चाहे काउंसलिंग में कुछ भी दिक्कत आ रही हो, सारी चीजें यार इस चैनल पे आ रही होंगी, तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।